हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बायोलॉजी सब्जेक्ट का रिवाइज्ड सिलेबस बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि सीबीएसई बोर्ड ने डिसाइड किया है 2020 और 21 के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए और मैं स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस चैप्टर को रिमूव किया गया फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से, या किस चैप्टर के कौन से टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, इसको आप देखिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसकी जानकारी भी हो सके। स्टूडेंट, हम ये जो आपके सामने टेबल बनी है, तो ये क्लास फर्स्ट ईयर का सिलेबस सबसे पहले हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्लास फर्स्ट ईयर में कितनी यूनिट्स रखी गई हैं, उनके टाइटल क्या है और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जो आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं एनुअल सिलेबस में। और टाइम 3 आवर्स का दिया गया है, मैक्सिमम मार्क्स 70 मार्क्स का दिया गया है। क्लास फर्स्ट ईयर के विषय में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। स्टूडेंट, इसमें 5 यूनिट्स दी गई हैं। पहली यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि 15 नंबर की पूछी जाएगी। सेकेंड यूनिट दी गई स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये 8 मार्क्स की है। और थर्ड यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि 15 मार्क्स की दिखाया गया है। और फोर्थ यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी, जो 17 मार्क्स की है, 15 मार्क्स की है। और लास्ट में है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि 17 मार्क्स की है। तो इस प्रकार से टोटल 70 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा बोर्ड का, मतलब है एनुअल। और ये 5 यूनिट्स में चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट, ये क्लास फर्स्ट ईयर में यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स ये शो करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें से चैप्टर फर्स्ट है। ये इसमें ये समझ लीजिएगा कि इसमें जितना दिया गया है यही चीज़ें आपको स्टडी करनी है, और बुक में एनसीईआरटी बुक में इससे ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं वो आपको नहीं पढ़नी है। केवल जो इसमें दिया गया है सिलेबस में, वही चीज़ें आपको पढ़नी स्टडी करनी है। तो इसमें सबसे पहला दिया गया है कि व्हाट इज लिविंग, ये आप स्टडी करेंगे। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी के विषय में आप स्टडी करेंगे। बायोडाइवर्सिटी में दिया गया है कि नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की नीड क्या है। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, ये सब आपको स्टडी करनी है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ये स्टडी करनी है। और टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का वीडियो स्पेशली मैंने डाल रखा है, उसको आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। बायोनॉमियल नामनक्लेचर, इस चैप्टर में ये चीज़ें आपको स्टडी करनी है। और एनसीईआरटी बुक में जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा दी गई हैं वो रिमूव कर दी गई हैं, आपको नहीं स्टडी करनी है 2020 और 21 के लिए। चैप्टर सेकंड दिया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो इसमें क्या आपको स्टडी करना है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि हुटकर ने दिया था, और इसको स्टडी करनी है। इसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं और इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, और मेजर ग्रुप्स जो पाए जाते हैं एनिमेलिया और प्लांटी। इसके अलावा लाइकेंस जो हैं ये मेजर ग्रुप में आते हैं, वायरसेस जो आते हैं और वायरॉइड, ये सब दिया गया है, इसमें जो है आपको स्टडी करनी है। तो 5 किंगडम सिस्टम पूरा इसमें 3 दिए गए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, और भी है प्लांटी एंड एनिमेलिया, तो वो अलग चैप्टर दिए गए हैं, उनको अलग चैप्टर में स्टडी करनी है। तो यहाँ पर केवल मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, लेकिन जानना ज़रूरी है कि 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में वो भी रखे गए हैं प्लांटी और फंजाई, तो उनको भी स्टडी करना है, उनके करेक्टर्स वगैरह का स्टडी करना है। उसके बाद चैप्टर 3 आता है प्लांट किंगडम, ये देखो किंगडम प्लांटी को अलग कर दिया गया है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसके सैलियंट फीचर्स पढ़ने हैं, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और मेजर ग्रुप्स में इनके मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं एनिमल प्लांट किंगडम की, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इनके साइलेंट फीचर्स और डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स और कुछ एग्जांपल, प्रत्येक कैटेगरी का जो एग्जांपल मेन है उनकी स्टडी करना है। बुक से केवल इतने पार्ट को आपको पढ़ लेना है। और नेक्स्ट है चैप्टर 4 एनिमल किंगडम, ये भी प्लांट 5 किंगडम सिस्टम का एक किंगडम है, तो इसको अलग रखा गया एनिमल किंगडम।
इसमें क्या पढ़ना है, सैलियंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, नॉन कार्डेट्स अप टू फाइलम लेवल एंड कार्डेट्स अप टू क्लास लेवल। यानी नॉन कार्डेट्स के जो करेक्टर्स आपको पढ़ना है वो फाइलम लेवल के, केवल फाइलम के करेक्टर्स पढ़ना है, जबकि कार्डेट्स के जो करेक्टर्स पढ़ना है वो क्लास लेवल तक पढ़ना है, क्लास लेवल तक के करेक्टर्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद जो है सैलियंट फीचर एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ ए फ्यू एग्जांपल ऑफ ईच कैटेगरी, यानी सभी जितनी कैटेगरी होंगी उनकी सबकी सैलियंट फीचर्स पढ़ना है एग्जांपल सहित। नो लाइव एनिमल्स एंड स्पेसिमेंट शुड बी डिस्प्लेड, यानी कोई लाइव एनिमल और उसके विषय में नहीं आपको स्टडी करनी है। अब स्टूडेंट्स यूनिट सेकेंड आ गई, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसमें चैप्टर 5 है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें बहुत सारी हेडिंग्स एनसीईआरटी बुक में दिए हैं लेकिन सब नहीं पढ़ना आपको, इसमें पढ़ना क्या है वो समझ लीजिए। मॉर्फोलॉजी ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, यानी जितने इन्फ्लोरेसेंस हैं साइमोस रेसिमोस, ये दो ही टाइप के इन्फ्लोरेसेंस है, स्पेशल टाइप का दिया नहीं है, तो इनके दोनों के करेक्टर्स पढ़ लेने हैं और इनके एग्जाम्पल सहित। और फ्लावर्स के विषय में पढ़ना है, फ्लावर का डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ना है। और जो है फैमिली, दो फैमिली रखी गई सोलेनेसी और लिलिएसी, तो इनके विषय में आपको स्टडी करना, फैबेसी फैमिली हटा दी गई है। तो इस तरीके से, हालांकि इसमें लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ वन फैमिली, अब एक फैमिली पूछी जाएगी लेकिन लिखा है सोलेनेसी और लिलिएसी, तो अब दो दी गई हैं तो दोनों में से कोई भी आपके कोर्स में आ सकती है, तो इसलिए दोनों आप स्टडी करिए और इससे क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लिखा है टू डेल्ट अलॉन्ग विद द रिलीवेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द प्रैक्टिकल सिलेबस। तो चूँकि प्रैक्टिकल से संबंधित हैं इसलिए दोनों फैमिली आपको स्टडी करनी है। नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अब इसमें केवल आपको एनिमल टिश्यू पढ़नी है, इसके अलावा जो काकरोच दिया है, फ्राग दिया है और अर्थवर्म दिया है, फ्राग तो नहीं दिया है, अर्थवर्म और काकरोच दिया है, तो ये अब आपको नहीं स्टडी करनी है, केवल इस चैप्टर में एनिमल टिश्यू की ही स्टडी करनी है। स्टूडेंट्स इसमें जो एनिमल टिश्यूज हैं तो इसके 4 पार्ट हमने वीडियो बना करके अपलोड कर रखा है यूट्यूब चैनल पर, इसके वीडियो पड़े हुए हैं, तो जो स्टूडेंट्स न्यू हैं या जो स्टूडेंट्स अलग से देखना चाहते हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, सब बहुत अच्छे जो है एक्सप्लेनेशन किया गया उसको अच्छे से और बढ़िया ब्लैक बोर्ड के थ्रू समझाने का प्रयास किया गया फिगर्स के थ्रू, तो उसको आप उससे अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स फ्लावर के विषय में भी एक वीडियो मैंने डाल रखा है, तो फ्लावर का डिस्क्रिप्शन भी आपको स्टडी करना है तो उस वीडियो को देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, बहुत अच्छे ढंग से फिगर से समझाया गया है, तो आप उससे भी स्टडी कर सकते हैं। स्टूडेंट अब ये यूनिट 3 है जिसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आप स्टडी करेंगे, तो इसमें 3 चैप्टर्स रखे गए हैं, चैप्टर 8 सेल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर 9 बायोमालिक्यूल और चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो चैप्टर 8 जो सेल है यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको स्टडी करनी है वो समझ लो, सेल थ्योरी एंड सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये इसको स्टडी करना है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ये स्टडी करना है, इनके डिफरेंस भी जानना है। उसके बाद प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस होती हैं, सेल इन्वेलप क्या है जो सेल के चारों ओर पाए जाते हैं, खोल, सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल वॉल क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स जैसे इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकांड्रिया, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, माइक्रोबॉडीज, इतनी चीज़ों की स्टडी आपको करनी है, यानी ये जितने हैं वो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इनको आपको स्टडी करनी है। इनमें कुछ डबल मेम्ब्रेनस हैं और कुछ सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स हैं, तो उसकी स्टडी आपको करनी है। उसके बाद क्या स्टडी करनी है, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल और इनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस की स्टडी, प्रॉपर स्टडी करनी है। स्टूडेंट्स सेल चैप्टर के 5 पार्ट्स मैंने वीडियो बना करके डाल रखे हैं, 5 पार्ट्स में है, न्यूक्लियस तक पूरा वीडियो बने हुए हैं, तो आप लोग जो है उसको स्टेप बाय स्टेप चाहो तो उससे स्टडी
कर सकते हो। और बहुत अच्छे ढंग से पूरा समझा करके बताया गया है कि ये इसमें क्या क्या है। और उसके बाद आते हैं चैप्टर नाइन में बायोमालिक्यूल्स है। बायोमालिक्यूल्स में आपको स्टडी करना है केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग सेल। लिविंग सेल में कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, उनका कंपोजिशन क्या होता है। बायोमालिक्यूल्स क्या हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, इसकी स्टडी करना है। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम के टाइप कौन कौन से हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स एंड एंजाइम एक्शन, इतनी चीज़ें आपको स्टडी करनी है। तो स्टूडेंट इसमें और एक चीज़ और स्टडी करनी है न्यूक्लिक एसिड के विषय में। न्यूक्लिक एसिड के का जो है मैंने न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइट्स और डीएनए, इससे संबंधित डीएनए आरएनए इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बना करके उसमें डाल रखा है यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसकी स्टडी वहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा जो है दूसरे भी वीडियो हम बना करके जल्दी अपलोड कर देंगे इसके बायोमालिक्यूल्स के, तो उसको भी आप स्टडी कर सकते हो यूट्यूब चैनल से। और दरअसल कुछ बच्चे शुरू में देखते हैं उसके बाद काट देते हैं तो समझ में नहीं आता। आप वीडियो को जो भी वीडियो देखो, एक वीडियो देखो, लेकिन जो भी देखो उसको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखो, तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझ में आएगी। देखो ये सब स्टेप बेस की पढ़ाई है, और यही अगर स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते रहे तो आपका नीट का प्रिपरेशन भी हो सकता है अच्छे ढंग से, क्योंकि नीट की प्रिपरेशन में भी अच्छे ढंग से ही पढ़ाई करोगे तभी होगा। और बीच बीच में कट करके आप अगर स्टडी कर रहे हो या इधर उधर कर रहे हो तो मान के चलिए उतनी ही चीज़ें आपको समझ में आएंगी जो आप देखेंगे, बाकी जो छोड़ रहे हैं वो आपके दिमाग से भी मिस होती चली जाएगी। ये जो है ना करिए, इससे बढ़िया ना पढ़ो तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर पढ़ना है स्टडी करना अच्छे ढंग से तो आप स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर है 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब इसमें क्या चीज़ें पढ़नी है, तीन चीज़ें आपको स्टडी करनी है। सेल साइकिल क्या है, माइटोसिस क्या है, मियासिस क्या है, और इनके सिग्निफिकेंस क्या है, क्या लाभ है क्या हानियाँ हैं इन डिवीजन्स क्या है। हानियाँ तो नहीं होती हैं लेकिन लाभ होते हैं। अब हानियों में जैसे माइटोसिस का कभी कभी कैंसरस बन जाती है तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है, तो इन्हीं सेल डिवीजन के विषय में स्टडी करनी है। और इनके वीडियो भी आप जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे, उनको आप उससे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। स्टूडेंट ये फोर्थ यूनिट है, यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी। अब इसमें 3 चैप्टर रखे गए हैं, देर आर 3 चैप्टर्स। चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, इसमें क्या स्टडी करना है, फोटोसिंथेसिस एज मीन्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेकंड क्या है टॉपिक, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट्स हैं इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं। एलिमेंट्री आइडिया है मतलब सामान्य जानकारी। और क्या है, फोटोकेमिकल एंड बायो सिंथेटिक फेजेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये इनकी स्टडी आपको करना। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन, इसकी स्टडी करना। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टडी करनी है। फोटो रेस्पिरेशन, ये स्टडी करना। C3 एंड C4 पाथवे ये है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में ये टॉपिक आपको स्टडी करनी है। बाकी NCERT में जो भी दिए गए हैं उनकी स्टडी नहीं करनी है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 14 स्टूडेंट, चैप्टर नंबर इसमें रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है। इसमें क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन को एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। फिर क्या है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल TCA साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एरोबिक रेस्पिरेशन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट एनर्जी रिलेशन, नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स जनरेटेड एरोबिक रेस्पिरेशन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। एम्फीबोलिक पैथवे क्या है, रेस्पिरेटरी क्वाशियंट क्या है, इतनी चीज़ों की जानकारी आपको करनी है। और इसके अलावा जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं बुक में वो तुम नहीं स्टडी करेंगे आप। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, 15, इसको कहते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या स्टडी करनी है, गिने चुने टॉपिक हैं,
प्लांट रेगुलेटर्स मीन्स केवल इसमें प्लांट रेगुलेटर्स यानी हार्मोन्स की स्टडी करनी है, बाकी ग्रोथ से संबंधित कोई भी चीज़ें नहीं स्टडी करनी है। केवल ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड ABA, यानी ये हार्मोन्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। तो इतने टॉपिक रखे गए हैं और बाकी जो ग्रोथ से संबंधित जो भी टॉपिक है NCERT में वो सब नहीं है कोर्स में, उनको नहीं स्टडी करनी। स्टूडेंट्स ये यूनिट 5th है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं और जो हैं चैप्टर्स वो आपके सामने हैं स्क्रीन पर। चैप्टर नंबर 17 केवल स्टडी करना है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें क्या स्टडी करोगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स। सेकंड क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड इट्स रेगुलेशन इन ह्यूमंस, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या है, डिसऑर्डर्स क्या है रिलेटेड टू रेस्पिरेशन जो पाए जाते हैं डिसऑर्डर्स, अस्थमा, एम्फीसीमा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। स्टूडेंट्स इस चैप्टर का वीडियो मैंने डाल रखा है YouTube चैनल पर, उसको आप अच्छे ढंग से स्टडी कर सकते हैं। फिगर साइज पढ़ा है, 2-3 पार्ट में मैंने बना करके डाला है, आप उसको पूरी तरह से स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर है बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन, इसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, हार्ट से संबंधित या सर्कुलेशन से संबंधित इसके 2-3 वीडियो पड़े हुए हैं, उनको भी आप स्टडी कर सकते हैं अच्छे ढंग से। और जो नहीं पढ़े हैं उनको हम बना देंगे, बना करके डाल देंगे जल्दी से जल्दी। स्टूडेंट्स इसमें कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप्स, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ एंड इट्स फंक्शंस, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, कार्डियक साइकिल क्या है, कार्डियक आउटपुट क्या है, ECG, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट फेल्योर, ये कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स हैं, इनकी भी स्टडी आपको करनी है। इसके कुछ वीडियो पड़े हुए हैं, उनको आप स्टडी कर सकते हो यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट चैप्टर 19 ये क्या है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इसमें क्या क्या स्टडी करोगे, मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के मोड्स कौन कौन से हैं, अमोनोटेलिज, यूरियोटेलिज, यूरिकोटेलिज, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यूरिन फॉर्मेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर्स जो हार्ट से निकलता है, ADH एंड डायबिटीज इंसिपिडस इसका क्या रोल है, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, डिसऑर्डर्स कौन कौन से किडनी संबंधित, यूरिमिया, रीनल फेल्योर किडनी का फेल्योर होना, रीनल कैलकुलाई उसमें पथरी बन जाना, नेफ्राइटिस नेफ्रान बेकार हो जाना, डायलिसिस एंड आर्टिफिशियल किडनी, किडनी ट्रांसप्लांट, ये चीज़ें आपको स्टडी करनी है इस चैप्टर में किडनी से संबंधित। स्टूडेंट्स इसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम से संबंधित भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप उसको यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स अब 5th यूनिट का चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसमें क्या स्टडी करना है, स्केलेटल मसल्स, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन से हैं, एक्टिन और मायोसिन जो मसल्स में पाई जाती है, एंड मसल कंट्रैक्शन कैसे मसल्स हमारी जो है सिकुड़ती हैं, तो इसकी पूरी मैकेनिज्म ये आपको स्टडी करनी है। नेक्स्ट चैप्टर 21 है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी नर्वस सिस्टम से संबंधित चैप्टर। अब पढ़ना क्या क्या है, इसमें भी कई टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं, जो स्टडी करना है वो सुन लो, न्यूरॉन एंड नर्व्स, नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड विसरल नर्वस सिस्टम मींस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, इनकी स्टडी करना, और बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं इससे रिमूव कर दिए गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर है 12 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन यानी ये हार्मोन से संबंधित चैप्टर है। हाँ स्टूडेंट
चैप्टर 22 जो दिया है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये हार्मोन से संबंधित चैप्टर है, इंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित। तो इसमें इंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ना, डिफरेंट टाइप की हार्मोन्स क्या होते हैं, ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम क्या है और कितने कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलमस के विषय में कौन से हार्मोन यहाँ से सिक्रेट होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, पीनियल बॉडी क्या है, थायराइड क्या है, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियास, गोनड्स, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, कैसे हार्मोन मैकेनिज्म इनकी होती है, कैसे एक्शन करते हैं, एक सामान्य जानकारी। रोल ऑफ हार्मोन एज मैसेंजर एंड रेगुलेटर हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, कोई हार्मोन कम निकलता है ज़्यादा निकलता है उसके क्या डिसऑर्डर्स होते हैं इसकी जानकारी। ड्वार्फिज्म क्या है, बौनापन। एक्रोमेगैली क्या है, बहुत ज़्यादा लंबापन हो जाना। क्रिटिनिज्म क्या है, जो बौने हो जाते हैं, क्रिटीन्स। ग्वाइटर क्या है, गले में घेगा बन जाना। एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर, आँखें उभर आती हैं। डायबिटीज जो होती है, डायबिटीज इंसिपिडस और मेलिटस। एडिसन्स डिजीज, ये भी ये सोडियम आयन्स हमारे ब्लड बॉडी से बहुत निकल जाते हैं यूरिन के थ्रू, तो ये भी दिक्कत आती है। तो ये कुछ डिजीजेज हैं जो हार्मोन से रिलेटेड हैं, इनको जो है हम लोगों को पढ़ना है, पूरी स्टडी करना है। तो ये आपने फर्स्ट ईयर क्लास का पूरा रिवाइज्ड सिलेबस जो आपको स्टडी करनी है वो आप इसमें इसी के थ्रू पढ़िए, और आपको केवल इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं, इसके अलावा एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक अलग से नहीं पढ़ना। स्टूडेंट, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इस वजह से मैंने फर्स्ट ईयर का ही इसमें इस वीडियो में रखा है रिवाइज्ड सिलेबस, और सेकेंड ईयर का जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डाले दे रहे हैं, तो उसको नेक्स्ट वीडियो से आप सेकेंड ईयर का देख सकते हैं। अब चूँकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि रिवाइज सिलेबस था फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, तो चूँकि वीडियो अगर बनता तो ये 40 मिनट का करीब बनता, इस वजह से दिक्कत बन रही थी, तो हमने इसको दो पार्ट में कर दिया। इसमें केवल फर्स्ट ईयर का है, और इसका जो सेकंड पार्ट हम बनाने जा रहे हैं उसमें सेकंड ईयर का ही बनाने जा रहे हैं, सेकंड ईयर का रिवाइज्ड सिलेबस बायोलॉजी का। तो आप लोग स्टूडेंट्स उसमें देख सकते हैं। थैंक्स।